हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले थंबनेल कैसे बना, या गाइस आपको थंबनेल तो बना लेते हैं ऐसा वैसा, लेकिन गाइस जब इस तरीका से हम लोग को इफेक्ट डालना रहता है या थंबनेल बनाना रहता है, कुछ इस तरीके से हम लोग को थंबनेल बनाना रहता है तो हम लोग कैसे बनाए। या गाइस मेरा चैनल को देख लो, थंबनेल में भी ऐसा बनाता हूँ। या गाइस आप मनोज देव का चैनल देख लो गाइस, वो भी ऐसे ही बनाते हैं। या गाइस बहुत को चैनल देख लो गाइस, ऐसा थंबनेल बनाता है। तो आज गाइस हम लोग ऐसा पीएनजी यूज करके या ऐसे थंबनेल को बनाने वाले हैं गाइस। तो चैनल पर नए हो तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आप देख रहे हैं मिस्टर एम क्रिएटर एम पी, और हम लोग मैं हूँ प्रीतम, और आज हम लोग बनाने वाले हैं कि ऐसा थंबनेल प्रोफेशनल तरीका से। तो गाइस चलो हम लोग चलते हैं अपना मोबाइल। गाइस यार मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ गए। उसके बाद गाइस हमें एप्लीकेशन पिक्सल का यूज करता हूँ। गाइस देखो गाइस एप्लीकेशन पिक्सल आपको दिख रहा है। देखो गाइस ये पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं हम ओपन। उसके बाद गाइस यहाँ पर इसको देखो गाइस, इसको डिलीट मारना है, डिलीट मार दिए। उसके बाद देखो गाइस थंबनेल साइज नहीं है, इसको थंबनेल साइज में करते हैं। तो थ्री डॉट पर क्लिक करके इमेज पर क्लिक करने के बाद देखो गाइस यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, देखो गाइस ये हमारा थंबनेल साइज हो गया। उसके बाद गाइस ये उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड बनाएंगे। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए इस पर क्लिक करके इस पर फोटो कलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो गाइस मेरा बनाया था बैकग्राउंड। उसके बाद गाइस देखो यहाँ से प्लस वाला पर क्लिक करेंगे तो देखो गाइस यहाँ से कम बेसी अपना हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद देखो गाइस ये मेरा बैकग्राउंड बना हुआ था। उसके बाद गाइस यहाँ से हम लोग इतना करते हैं, छोड़ के ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद गाइस हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद गाइस हम लोग इसे देखो बैकग्राउंड बन गया। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पर पीजी बनाएंगे। तो यहाँ से पीजी बनाने के लिए गाइस देखो मैं यहाँ पर देखो गाइस फिल इनसाइड लिखा हुआ तो उसको ऑन कर लेते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर 10 कर लेंगे, 10 तक लग या 10 तक लगाना चाहिए गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ से वाइट इसका कलर चूज कर लेंगे, वाइट तो वाइट कलर चूज कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद गाइस थोड़ा से कुछ इस प्रकार का प्रकार से आपको कुछ करना है, देखिए ऐसे। तो गाइस ये थोड़ा सा मेरा गलत हो गया तो उसको हटाते फिर मैं करता हूँ। उसके बाद देखो गाइस थोड़ा से इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद गाइस आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से करके। तो गाइस यहाँ पर देखो यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो इसको अल्ट्रा में हम डाउनलोड करेंगे हरदम। तो देखो गाइस यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। देखो गाइस यहाँ इमेज सेव दिखा गया। उसके बाद गाइस फोटो पर क्लिक करेंगे हम लोग। फोटो पर क्लिक करने के बाद गाइस जो मैंने किया था उसको ले लेते हैं। उसके बाद लेने के बाद देखो गाइस इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करके इसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिक्स कर लेते हैं हम लोग जल्दी से गाइस। देखो गाइस थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से हम लोग फिक्स कर लेंगे। उसके बाद गाइस फिक्स करने के बाद देखो गाइस यहाँ से लॉक कर लेंगे। उसके बाद लॉक करने के बाद हटा के शेप में क्लिक करके यहाँ पर देखो गाइस शेप लेना है हम लोग को। यहाँ पर शेप लेते हैं गाइस थोड़ा सा इस प्रकार से। शेप लेने के बाद गाइस इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम लोग एडिट। तो यहाँ से इसको गाइस थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर लेंगे। तो देखो गाइस नीचे वाला था वो जो ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चल गया। तो उसके बाद यहाँ से ऑन करेंगे। उसके बाद देखो गाइस थोड़ा सा कलर था ये तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखो गाइस अपना हिसाब से आप कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्लिक करके देखो गाइस थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर अंदर से भी हो जाएगा गाइस इसका थोड़ा से। उसके बाद गाइस कलर पर ऑन करके कलर हम लोग चूज कर लेंगे। तो कौन कलर हमको पसंद है वो कलर हम ले लेते हैं। तो गाइस देखो मेरा कलर ये था तो ये ले लिया मैंने, इसको यहाँ से लॉक कर लेते हैं। उसके बाद देखो गाइस यहाँ पर जो मैंने पीजी बनाया था उसको ऊपर करना है तो उसको भी कलर से कुछ स्क्रीजिंग देखने के लिए कर लेते हैं गाइस। देखो थोड़ा से इस प्रकार से हम लोग करते हैं उसको। उसके बाद यहाँ से ऑन कर लेते हैं। उसके बाद गाइस थोड़ा से कलर भर लेते हैं उसमें, तो कौन पसंद है मेरा कलर वो मैं भर लेता हूँ, कौन मुझे बढ़िया लगे। आपको भी कौन पसंद होगा वो कलर भर लीजिएगा गाइस। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर मैं ये कलर मेरा पसंद है तो मैं ये भर लेता हूँ। उसके बाद देखो गाइस थोड़ा से यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो गया तो थोड़ा से हम फिर से फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस देखो मेरा ये फोटो डाउनलोड किया था तो पीजी मैंने डाउनलोड किया था तो पीजी मेरा किधर है। देखो गाइस यहाँ स्क्रीन शॉट इसको लिया था, पीजी भी मैं डाउनलोड किया था तो वो मैं डाउनलोड किया था गाइस क्रोम ब्राउज़र से, तो वहाँ से आप कोई भी पीजी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ से मैं स्क्रीन शॉट मेरा था सो ले लेता हूँ, फिर इसके बाद पीजी लेंगे हम। तो देखो गाइस यहाँ पर मेरा बहुत सारा पीजी है तो गूगल क्रोम वाला पीजी लेके इसको थोड़ा से मैं कर लेता हूँ ऐसे थोड़ा से। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लगाने के बाद गाइस यहाँ पर सेव कर लेते हैं। देखो गाइस थोड़ा से यहाँ से लॉक कर लेंगे गाइस। उसके बाद गाइस हम लोग फिर से पीजी लेंगे एक,
तो देखो गाइस म्यूजिक वाला पीजी था मेरा, तो म्यूजिक में थोड़ा सा ले लेता है, इसको छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद गाइस इसका बगल में लगा लेता हूँ। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर फिर से टाइटल में लिख फिर से इमोजी लेंगे। तो टाइटल यहाँ पर देखो, टाइटल यहाँ पर लिया मैंने। उसके बाद गाइस यहाँ पेंसिल पर क्लिक करके उसको इमोजी लिखते हैं। गाइस देखो यहाँ पर थोड़ा से इस प्रकार से कुछ करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर इमोजी हमको ले लेना है, उसके बाद ओके कर लेना है। तो गाइस थोड़ा सा गलती हम कर देते कि टाइटल को नहीं हटाते, टाइटल को हटा लेते हैं, फिर उसके पास ओके कर लेना है, फिर उसके पास इसे लगा लेना है। उसके बाद गाइस हम लोग को लिखना है फिर से हम लोग टाइटल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे गाइस मेरा आधा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं गाइस गूगल से गाइस कैसे क्रोम ब्राउजर से नो कॉपीराइट गाना डाउनलोड के, तो मैंने लिख लिया गाइस। उसके बाद गाइस थोड़ा सा इसको ऐसे करके तिरछे, उसके बाद इसको छोटा करना है, तो छोटा करने के देखो गाइस यहाँ थोड़ा सा इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइस थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। उसके बाद गाइस इसमें थोड़ा सा कलर भर देंगे गाइस, क्योंकि गाइस थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, तो इसको कलर भरने के बाद देखो गाइस बढ़िया लगेगा। तो पहले इसको तो वर्ड बढ़िया कर लेते हैं, तो हम इसको वर्ड देखो गाइस बढ़िया स्पेलिंग में चूज कर लेते हैं। देखो गाइस थोड़ा सा ये वर्ड पसंद आ गया, इस पर क्लिक करने के बाद देखो गाइस यहाँ पर मेरा आ गया, तो ये आ गया। तो थोड़ा सा इसको टीचर करके फिर इसमें कलर भर लेना है। तो देखो गाइस यहाँ पर कलर इसमें सोचते हैं नहीं, इसमें कलर बढ़िया नहीं लगा। उसके बाद गाइस थोड़ा सा हम लोग इसको कलर भरेंगे, तो देखो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कलर भरेंगे इसमें। उसके बाद देखो इस पर क्लिक करके उसके बाद हम लोग देखो कलर भरना है, तो गाइस उसको नीचे करना है। देखो इस पर कलर, देखो हमको कौन पसंद है वो कलर में भर लेता हूँ। उसके बाद गाइस मेरा बन के थंबनेल तैयार हो गया गाइस। देखो गाइस मेरा ये कलर था, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस मेरा थंबनेल बन के तैयार हो गया, तो लेयर पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से कर लेता है, थोड़ा सा मेंटेन, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद गाइस थोड़ा से ऐसे, उसके बाद लेयर पर करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए गाइस हरदम हम अल्ट्रा में डाउनलोड करेंगे। देखो गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद अल्ट्रा में क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। देखो गाइस मेरा सेव इमेज दिखा जाएगा, देखो गाइस मेरा सेव इमेज दिख गया। उसके बाद गाइस मैं अपना फ़ोटो में जाके आपको दिखा दूंगा जो मैंने थंबनेल बनाया था। देखो गाइस मेरा थंबनेल ये था, देखो गाइस कितना भयानक लग रहा है थंबनेल। तो वीडियो पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस, अब अगले वीडियो मिलेगा।